दिनों से जिस रात का हमें इंतजार था आखिर वो रात आ ही गई, शैतान की काली रात। अब हमारा वक्त शुरू होगा। हसन, बल्ला बल्ला बीबी, जा गई गरीबी। जाओ जाओ, जाकर हमारा जादुई पानी आबे पत्थर लेकर आओ। इस दुनिया में 1001 बादशाह है जो ताकत के लिए एक दूसरे का खून बहाते हैं, पर अब कोई खून नहीं बहेगा, क्योंकि पत्थर से खून नहीं बहता। और हम इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका है, जो कि इन 1001 बादशाहों को आबे पत्थर से पत्थर का बनाकर खुद इस पूरे जहां पर हुकूमत करने वाले हैं। ये कौन है? मंगोल का बादशाह चंगेज खान, वो पहला बादशाह जो पत्थर का बनने वाला है। लाओ हमारा आबे पत्थर। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, पत्थर का बन जा चंगेज मेरे। गौर से देखो हसन, अब हमारा दौर शुरू होने वाला है। जानबूझ के गलती से तो ये गिर गया। नमक हराम, ये हमें क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारे शरबत में आबे पत्थर मिला दिया, अब तुम पत्थर की बन जाओगी। नमक हराम। मैं मरने से नहीं डरता। हम तुम्हें मौत नहीं, उससे भी बड़ी सजा दे रहे हैं। दुश्मन हमारे एक तहकती आग में, कैद होगा तू हसन आज से इस चिराग में। हाँ।
नहीं है हसन। आज से 500 सालों बाद हम फिर लौटेंगे हसन, लेकिन तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा, कोई नहीं। काले चोर, हुकूमत ने तुझ पर 5,000 अशर्फियों का इनाम रखा है। सुनो सुनो सुनो, आज दावत अमन की खुशी में जश्न का ऐलान हुआ है। तू खलीफा का गुलदार नहीं ले जा सकता काले चोर। काले चोर का इंतजार तो 11 मुल्कों के सिपाही कर रहे हो, लेकिन काले चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
कोई बात नहीं बेटा, मेरी किस्मत में नहीं था। अगर मेरी किस्मत में होता तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता। आदि, किस्मत में होता नहीं, लिखना पड़ता है। ये लीजिए, बड़े चौक में अख्तर नाम का एक आदमी है, वो पुरानी चीजों का कदरदान है। वहां जाके बेचेंगी तो अच्छी कीमत मिलेगी। शुक्रिया बेटा। और दादी, इत्र लगा के जाइएगा। बताया था ना कि पुरानी चीजों का कदरदान है। शैतान कहेगा, तेरा नाम क्या है? अलादी, नाम तो सुना होगा। ऊपर वाला तेरे को लंबी उम्र दे अलादीन। लंबी उम्र का क्या करूंगा दादी, जब सारी उम्र मुस्तफा चाचा की गुलामी करनी है। अब मैं उन्हें क्या दूंगा? दादी, बहुत कीमती चीज है ये, इसको संभाल के छुपा के रखिएगा। ठीक। दादी दादी, मैं पोटली ले लूं। हाँ। शुक्रिया दादी। ये काला चोर तो हाथ आया नहीं, उसके चक्कर में ये घुटना जरूर चिल गया। मेरी अम्मी कहती है कि हल्दी वाला दूध पीने से ना दर्द जल्दी चला जाता है, अब आप भी पी लीजिएगा। जी शुक्रिया। बाल्टी निकालो। लो, हो गया तुम्हारा 100 किलो कबाड़। तुम खुद 40 किलो के हो, 100 किलो कबाड़ कैसे हो गया ये? मेरा जिस्म छोटा है पर ख्याल बड़े। 40 किलो का जिस्म, 60 किलो के ख्याल, हो गया ना 100 किलो। लाओ। गुलबदन, गुलबदन, गुलबदन। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इतना हसीन दिखूं। हाय, बस मुझे अपनी नजर ना लग जाए। नजर किसी की भी लगे मगर थप्पड़ मेरे ही लगेगा। अरे कमबख्त, आईने के शौहर सज सवर के लड़कियां देखने जा रहा है। जी अब्बू। रे कमबख्त, कितनी बार कहा है पराई लड़कियों को अपनी माँ समझा कर बेटा। अब्बू, आप हमेशा अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं ना। अब वो तो है। चुप कर कमबख्त और पता कर अलादीन खलीफा का गुलदान लेकर कब लौटेगा? आज चाचा मुझे अम्मी को पक्का घर से बाहर निकालेंगे। लो, आ गया अलादीन। ये वक्त है आने का, अब जल्दी से खलीफा का गुलदान दे। दे? चाचू, वो एक बूढ़ी भिखारन थी, मैंने उसको दे दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। अब्बू, एक कमबख्त खलीफा का गुलदान भिखारन को दे आया। भाई मेरे भाई, ये गलत किया ना। अरे भिखारन को ही देना था तो क्या मेरे अब्बू बुरे थे? चाचू, मैं आपके लिए उससे भी कीमती चीज लेके आया हूँ जिसके सामने वो खलीफा का गुलदान ना थूकदान लगेगा। अच्छा, ऐसी क्या चीज लेके आया, जरा दिखा। खुशियों का अफसाना लिखने कागज कोरा लाया हूँ। मैं एक तिजोरी नहीं चाचू, एक तिजोरा लाया हूँ। तिजोरा? हाँ, अब दिल थाम के देखो। मैं एक
कटोरा लाया हूँ। कटोरा? ये क्या? ये क्या? ये क्या है? ये अरे चाचू, ये कोई मामूली कटोरा थोड़ी ना है, आदम का कटोरा है। इस पे बाबा आदम खाना खाया करते थे। अल्लाह की नाम पिटी रे बाबा, बाबा आदम का कटोरा है रे बाबा। ये तो वाकई आदम का कटोरा लगता है। लगता है चाचू? है चाचू, आप इसकी नक्काशी तो देखिए। नक्काशी कहाँ इसमें? कहाँ है? चाचू, उस वक्त नक्काशी होती थी क्या? उस वक्त नक्काशी? नहीं होता था। अलादीन अपने चाचू के जिगर का टुकड़ा। आज तूने अपने चाचू का दिल खुश कर दिया ये बेशकीमती कटोरा देकर। इसकी बदली मैं तुझे दो नहीं तीन एक अशरफी दूंगा। जा खुश रहे बैठे जा। आदम का कटोरा। गुलबदन के अब्बू, अरे कहां मर गए गुलबदन के अब्बू? अम्मी, प्यारी अम्मी, छोड़ मुझे। ये लीजिए। बिल्कुल अपने अब्बू पर गया है। पता है, वो भी ऐसी अपनी मेहनत की कमाई मेरे हाथ पे आला कर रख दिया करते थे। आज वो होते तो तेरी मेहनत की खरी कमाई देखकर बहुत खुश होते। दिन में तारे ढूंढ रहे हैं क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहे? गुलबदन की अम्मी, तुम हमेशा कहा करती थी ना, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। आज मैं तुम्हारे लिए बेहद कीमती तोहफा लेकर आया हूं, आदम का कटोरा। कसम सोने की अशर्फियों की, काश आप अदरक होते। क्यों? अरे जी भर के आपको कूट तो सकती थी। क्यों? आदम का कटोरा नहीं, लोहार गली सलीम का कटोरा है। वो कमबख्त अलादीन फिर से आपको बेवकूफ बना गया। अलादीन, अलादीन! अदरक, अब्बू अदरक। शुक्र है कि मेरा लाल इस कमबख्त मारे काले चोर जैसा नहीं है। पूरे शहर में चोरियां करता फिरता है। हाथ लग जाए ना मेरे तो मार मार के गंजा कर दूं मैं इसे। अम्मी 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 ऐसे इतना किसी को क्या कुछ ना। हाँ, हमें क्या पता कि वो बेचारा किन हालातों में चोर बना होगा। और वैसे भी कोई चोर पैदा होता है क्या? उसे चोर बनाया जाता है। ये भूख, गरीबी, पेट, समाज, उसका चाचा। क्या चाल चलन चोर बनाता है। तू छोड़िए सारी बातें, मुझे बता भूख लगी है तुझे? आज पूरा शहर दावत अमन की तैयारी कर रहा है तो मैंने भी तेरे लिए शीर कोरमा बनाया है। ये ले, घरों में आ, कमरे में ले जा, छत टपकती है रसोई की। तब तो यहीं पर बैठकर खाने का मजा है अम्मी, शीर कोरमा देर तक चलेगा।
ऊपर वाले ने कितनी जिंदा दिली दी है मेरे लाल को, कोई मुसीबत मुसीबत ही नहीं लगती। अलादीन मर गया। अलादीन 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 अरे अलादीन कम्बख्त कहाँ गया? बाहर निकल, मैं कहती हूँ बाहर निकल। अलादीन नाज़नीन भाभी क्या हुआ, इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों दे रही है अलादीन को? मुफ्त की चीज है, क्यों ना दूं भला। पर एक बात कह दूं रुखसार बेगम, तुम जैसे मुफ्त खोरों को तो मुफ्त में भी कुछ नहीं देना चाहिए। वाई 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 वाई। शिरकुर्मा, दो आने तो इसी में खर्च हो गए होंगे। सबसे कम किराया देती हो पर ये फिजूल खर्ची है। अरे नाज़नीन भाभी, इस घर में खुशियों के आने जाने का हिसाब होता है, अशर्फियों के आने जाने का नहीं। वाह वाह, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा निकम्मा बेटा कहाँ है? अलादीन, मेरे बेटे को निकम्मा मत कहिए भाभी आप। वल्ला वल्ला, जबान तो घुटनों तक लंबी हुई जा रही है बहन, भूल गई? एहसान किया हमने तुझे और तेरे उस बेटे को यहाँ पनाह देकर, वरना जो तेरे शौहर ने किया उसके बाद कोई इसे पनाह देने को तैयार न था। भगोड़े बाप का चोर बेटा। बस भाभी बस, ये बात अगर आपकी जगह किसी और ने कही होती ना, तो उसकी चोटी को बकरी की पूंछ से बांध देती और बकरी को दौड़ा देती, जोर जोर से तालियां बजाती और हर बार उसका मुंह बीच में लाती, मुंह ऐसा लाल हो जाता कि बंदर भी रोककर पूछते अम्मी अम्मी घर नहीं जाना। पर आप घर की बड़ी है, आपसे क्या कह सकती हूँ। पर इतना जरूर कहूंगी मैं भाभी, हम ना इब्ने बतूता के खानदान के हैं, ऐसे एहसान नहीं रखते किसी का। आप यही रुकिए। मेरा बेटा, मेरे बेटे को ये लीजिए, आप बड़ी हैं, मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए। असली है। अरे ऑटो, नाज़नीन भाभी को लगता है मेरा अलादीन निकम्मा है, लेकिन देखना एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। हाँ बड़ा आदमी नहीं अम्मी, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, शहजादा बनूंगा, फिर एक पांव जमीन पे और एक पांव आसमान में। अरे नहीं नहीं, ऐसे तो तेरा पजामा ही फट जाएगा। तू यही चाहता है ना कि तेरी अम्मी सुई धागा लेके तेरे फटे पजामे सिलती रहे। हाँ अम्मी, ये तो एक मिसाल थी, और वैसे भी तब पजामों की कमी कहाँ होगी। बात तो ठीक कह रहा है, तेरे सारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। ख्वाब तो जरूर पूरा होगा अम्मी। सात साल की उम्र का था जब पहली बार उन्हें देखा था, देखते ही प्यार हो गया था। आधी बात तो पक्की हो चुकी है मेरी तरफ से, आधी भी पक्की हो जाएगी जब तुम मुझे देखोगी। ना जाने कैसी होंगी शहजादी यास्मीन, गुलाब के फूल से भी ज्यादा नाजुक। सुबह के ओस से भी ज्यादा कोमल। हर अदा में नजाकत होगी। आ,
शर्म होगी, हया होगी। जब हम मिलेंगे तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, यास्मीन कोई नहीं। वजीरे आला, आसमां से लेकर जमीन तक जल चलेगा राज हमारा, यास्मीन भी हमारी होगी। बगदाद का ताज भी होगा हमारा। फौलाद के हैं बाजू दोनों, शोला सीने में आग सा है। तख्त मिलेगा, इंतजार बस जादुई चिराग का है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.